शिमला जिला के दत्तनगर स्थित खुम खाद उत्पादन एवं प्रशिक्षण इकाई हिमाचल के 6 जिलों के बेरोजगारों के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आई है। यहां अब तक करीब 500 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें 70 लोगों ने खुम्ब उत्पादन का कार्य आरंभ कर दिया है। बेरोजगारों को खुम्ब उत्पादन कर स्वरोजगार के द्वार खोलने के लिए सरकार के निर्देश पर बागवानी विभाग ने प्रयास तेज किए हैं। खुम्ब उत्पादकों को घर द्वार पर खुम्ब खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से शिमला जिले के दत्तनगर में आधुनिक संयंत्रों से युक्त खुम्ब खाद उत्पादन इकाई स्थापित की है। इस इकाई के माध्यम से हिमाचल के 6 जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन के खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब खाद की पूर्ति की जा रही है। विश्व विशेषज्ञ बागवानी विभाग एवं खुम्ब खाद उत्पादन इकाई दत्तनगर के प्रभारी डॉक्टर के एल कटोच ने बताया कि यहां लगातार खुम्ब खाद बनाने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि इस इकाई के अंतर्गत 6 जिले के खुम्ब उत्पादकों को खुम्ब खाद की आपूर्ति की जा रही है। कटोच ने बताया कि बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर ले जाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि खुम्ब उत्पादन कार्य सरल एवं आर्थिक रूप से भी सही है और महिलाएं भी इस कार्य को कर अच्छा पैसा कमा सकती है। यहाँ जो हमारे दत्तन कंपोस्ट यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर है, तो इस कंपोस्ट यूनिट से अभी तक इस साल हमने 1,000,000 मीट्रिक टन कंपोस्ट तैयार करके बागवानों में बांट दिए में, और अभी हमने एक थर्ड लॉट और डाल दिया है, उससे हम लगभग इसको हम ले जाएंगे 60 मीट्रिक टन तक, और टारगेट हमारा 50 मीट्रिक टन का है। और साथ में जो हम यहाँ बागवान को ट्रेनिंग देते हैं, तो अभी तक हमने 395 जो है जनरल एससी और एसटी कैटेगरी फार्मर को ट्रेन किया है, और ओटीए में जो आते हैं वो 100 फार्मर को हमने ट्रेन किया है। और इस कंपोस्ट की अभी तक 60-70 मशरूम ग्रोवर काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का यह है कि जो बेरोजगार हमारे हैं उनकी को स्वरोजगार बनाना, ताकि अपना आर्थिकी बढ़ा सके, इसलिए ये उपक्रम चलाया हुआ है। और बहुत अच्छा और आसान कार्य है, इसको घर बैठे कर सकते हैं, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।